नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर समृति आपका अपने यूट्यूब चैनल हेल्दी सब्सक्राइबर पर स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं R65 के बारे में, जो कि सोरियासिस ड्रॉप्स हैं, यानी कि सोरियासिस की बीमारी के अंदर काम करती हैं और सोरियासिस को क्योर करने में हेल्प करती हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आप लोगों को पता कैसे लगेगा कि आप लोगों को सोरियासिस हुआ है, यानी कि उसके सिम्टम्स के बारे में कि उसके सिम्टम्स क्या हैं, जिससे कि आपको पता लग जाए कि आपको सोरियासिस की बीमारी है और आप लोग जो हैं उसका सही से ट्रीटमेंट ले पाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं सोरियासिस ड्रॉप्स के बारे में। तो सोरियासिस ड्रॉप्स जो हैं, ये बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन को मिलाकर बनी हुई हैं। आइए जान लेंगे कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें डली हुई हैं। दोस्तों, इसमें डली है बर्बेरिस एक्वा, कैल्शियम कार्बोनिकम, आर्सनिक एल्बम, नेफाइट, हाइड्रोकोटाइल और नैट्रम क्लोराटम। आइए सबसे पहले जानते हैं कि सोरियासिस एक्चुअली होता क्या है। सोरियासिस जो है वो स्किन के ऊपर होने वाली एक डिजीज़ का नाम है, जिसमें कि इरप्शंस हो सकते हैं, रैशेस जैसे दिखने वाले दाग हो सकते हैं, और इरप्शंस कुछ ऐसे हो सकते हैं कि हो सकता है उनमें कोई पस भरा हो या बिना पस के भी हो सकते हैं, और साथ ही स्किन में जो है खारिश शुरू हो सकती है। स्किन के ऊपर कुछ ऐसे स्पॉट्स हो सकते हैं जो कि रेड कलर के दिखाई देते हों, बिल्कुल रैशेस जैसे दिखाई देते हों। तो आइए जान लेते हैं कि किस टाइप के जो इरप्शंस हैं या रैशेस हैं वो सोरियासिस हो सकते हैं, और सोरियासिस ड्रॉप जो है आप उसमें इस्तेमाल करके उन्हें ठीक कर सकते हैं। पर दोस्तों, आप लोगों को सोरियासिस हो रहा है जो कि आपकी स्किन का एक पार्ट इन्फ्लेम हो जाए, सिर्फ इन्फ्लेम्ड पार्ट हो, और वो यूजली जो है नीज पे, स्कैल्प पे, बैक पे या एल्बो पे हो रहा हो, और आपके बहुत सारे ऐसा स्किन जो है वो इन्फ्लेम हो चुका हो ऐसे सोरियासिस में, जिसे हम प्लेक सोरियासिस भी बोलते हैं। सोरियासिस ड्रॉप्स R65 का इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे ठीक किया जा सकता है। प्लेक सोरियासिस जो है उसके अंदर इन्फ्लामेशन के साथ जो है आपकी स्किन ऊपर रेज कर जाती है, आपको ऐसा लगता है कुछ इरप्शंस हुए हुए हैं। तो बहुत सी सिचुएशन के अंदर जो है आप लोगों को छोटे छोटे लाल रंग के कुछ दाने से अपने शरीर पे दिखाई देंगे, वो दानों में कई बार जो है पस भरी होती है और वो नॉन इन्फेक्शस भी हो सकती है, यानी कि उसमें हल्का दर्द होगा और साथ ही वो रेड दिखाई देती होगी, और जहाँ से उसमें पस भरी होगी वो येलो कलर का दिखाई दे सकता है, और आपको पस जो है वो सामने स्किन के ऊपर दिखाई दे सकती है। और ऐसे केस में भी आप सोरियासिस ड्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं, और जो आपका ये सोरियासिस है जिसे कि हम पोस्टुलर सोरियासिस बोल देते हैं, इसे आप ठीक कर सकते हैं। बात करूं इनवर्स सोरियासिस की, तो इसमें क्या होता है, इसमें पैचेस बन जाते हैं। जैसा कि प्लेग के अंदर तो आप लोगों को रेज्ड स्किन दिख रही थी, इरप्शंस दिख रहे थे, इनवर्स के अंदर ऐसा नहीं होता, इसमें सिर्फ पैचेस बनते हैं, पर स्किन जो है वो पूरी तरह से इन्फ्लेम्ड हो जाती है। ऐसी सोरियासिस जो हैं ये आपके फोल्ड्स के ऊपर ज़्यादा होते हैं, जैसा कि अगर हम बात करें आपके आर्म पिट के ऊपर हो जाएंगे, आपके ग्रॉइन एरिया में हो जाएंगे, आपके जेनिटल्स के ऊपर आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसे केस में भी सोरियासिस ड्रॉप्स जो हैं वो बहुत अच्छा काम करती हैं। इसके साथ ही आपको ये जो इनवर्स सोरियासिस है, ये आपको अपनी ब्रेस्ट के नीचे, यहाँ पे भी एक फोल्ड है, ब्रेस्ट के नीचे देखने को मिल सकता है महिलाओं के अंदर, और आप लोग जो है कई बार इसे फंगल इन्फेक्शन भी सोच लेते हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन है, और ट्रीटमेंट जो है फंगल इन्फेक्शन का चलता रहता है, पर ये निकलता जो है सोरियासिस होता है। तो आप लोगों को जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो बिना डॉक्टर को दिखाए नहीं लेना चाहिए, और डॉक्टर की सलाह में ही कोई भी ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी होता है। ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ ये सिर्फ नॉलेज के लिए है। बात जो है दोस्तों, कई बार सोरियासिस जो है वो ऐसा लगता है जैसे कुछ मस्से हो जाते हैं, वॉट्स जैसे आपके स्किन पे हो जाते हैं कई बार,
उस तरीके से आप लोगों को गट्टे टाइप जो है वो दिखाई देता है। इसके अंदर कुछ लीजन्स ऐसे बन जाते हैं जो कि कुछ इरप्शंस होते हैं जो ड्रॉपलेट्स की तरह दिखाई देते हैं, पिंक कलर के ड्रॉपलेट्स, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे पानी की बूंद अगर शरीर पर रख दी जाए उसी साइज का, उसी तरीके की कुछ शेप्स इसमें बन जाती हैं स्किन के ऊपर, और ये भी इन्फ्लेम्ड स्ट्रक्चर होता है। तो आप लोगों को मैं दोबारा से ये बोलना चाह रही हूँ कि कई बार जो है आप सोरियासिस को कोई और बीमारी समझ लेते हैं, जैसे अगर गट्टे टाइप हो रहा है तो वो आप उसे कई बार मस्से समझ लेते हैं, वॉट्स समझ लेते हैं, और इसका ट्रीटमेंट जो है वॉट्स का लेते रहते हैं और वो निकलते हैं सोरियासिस। दोस्तों आपकी अगर सोरियासिस हो रहा है तो एक तो आप लोगों की स्किन जो है वो ड्राई हो जाएगी और आप लोगों को इरप्शन या पैचेस जो हैं देखने को मिलेंगे। दूसरा दोस्तों इसके ऊपर खूब सारी खारिश होती है जो कि हटने का नाम नहीं लेती, तो आप लोगों को जो है इसके लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। होम्योपैथी के अंदर ये एक अच्छी दवा है जो कि आपकी R65 एक रेक्वेक कंपनी जो बना रही है, और इसके अलावा होम्योपैथी में बहुत सी दवाइयाँ हैं जो कि आप सोरियासिस के लिए दे सकती हैं, और वो सभी दवाइयाँ इसमें भी डली हुई हैं जो कि आपके सोरियासिस को ठीक करने में हेल्प करती हैं। दोस्तों अगर आप कोई भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चाहते हैं तो बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए कोई दवा नहीं लेनी है। अब जान लेते हैं कि इसकी डोसेज जो है वो क्या रहती है। दोस्तों आप 10 से 15 बूंदे जो हैं इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी जो डोसेज है वो आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी जो कंडीशन है वो कितनी स्वेयर है, इसकी स्वेयरिटी क्या है, उसके हिसाब से इसकी डोसेज जो है सिलेक्ट की जाती है। अगर आप किसी प्रकार का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप करके आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपनी क्वेरीज व्हाट्सएप के मैसेज थ्रू पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।